सबसे पहले आज के मैच की बात करते हैं। आज की टक्कर है विराट कोहली और केएल राहुल के बीच, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। तो ये बड़ी टक्कर आज होने वाली है, किंग्स इलेवन पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और दोनों के अगर सक्सेस रेट की मैं बात करूं तो बहुत नाम बराबर का अंतर है, लेकिन दोनों ही टीमें आज कोशिश करेंगी बेहतरीन प्रदर्शन करने का। आप ये कह रहे हैं कि दोनों को तराजू में तौलें तो 50-50 नजर आता है और बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से किसी पर दांव नहीं लगा सकते। बिल्कुल दोनों एकदम बराबरी पे। अभी तक आप आईपीएल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो दोनों ही टीमें जब जब आपस में भिड़ी है T20 लीग में, जब जब ये भिड़े हैं तो शानदार इनके बीच में भिड़न देखने के लिए मिली है। लेकिन अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, वो ब्रेकिंग न्यूज भी आपके सामने होगी। लेकिन T20 लीग का ये सबसे कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों टीम में हमेशा कांटे की टक्कर रही है। आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच 24 मैच खेले गए हैं और दोनों ही टीम के खातों में 12-12 जीत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीत लिया है और टॉस उनके पक्ष में गया है, टॉस के बॉस बने हैं आरसीबी। और ये देखना होगा क्योंकि अभी तक जितनी टीमों ने टॉस जीता है सब ने लगभग गेंदबाजी ली है, और ये अब इस अभी तक का T20 लीग का सबसे दिलचस्प आंकड़ा है कि पांच में से चार गेंदबाजी वाली टीमें जीती। लेकिन टॉस में क्या चुना गया है इस पर अपडेट आए रीमा, और अपडेट ये आ रहा है कि शायद गेंदबाजी चुन ली है आरसीबी ने फिर से। एक बार और उसके कंफर्मेशन का वेट करेंगे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीत लिया है। रीमा यहाँ तो बल्लेबाजी का रिकॉर्ड रहा है पहले चुनने का, अगर टॉस जीता जाए तो नहीं, यहाँ पे गेंदबाजी का रिकॉर्ड रहा है। और अगर आरसीबी है तो गेंदबाजी चुननी भी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा विश्वास करते हैं चेज में, और क्योंकि वो चेज के महाराजा है, किंग ऑफ चेज बोला जाता है उनको, तो वो अपने पॉजिटिव पे खेलेंगे। और गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही है, गेंदबाजी का फैसला सही है। लेकिन आज किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और वो जो कभी आरसीबी की तरफ से बहुत धाकड़ बल्लेबाजी करते थे, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से अगर खेलते हैं, मैं क्रिस गेल की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आज गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा? अब मैं नहीं कहूंगी कि चेंज बनता है, पहली गेम बेशक आप हार गए हो, किंग्स इलेवन वो मोमेंटम की तलाश में निकलेगा आज, बट मैं नहीं समझती हूँ कि एक मैच अच्छा ना खेलने के बाद टीम में कोई फेर बदल होना चाहिए, बिकॉज अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है। आपको पता है आपने बड़ा